हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। हमने दो दिन पहले आपको एक अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड किया था SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से, और उस अपडेट के अंदर हम लोगों ने बताया था कि SBI ने जो अपना स्मॉल और मिड कैप फंड है उसको रीओपन कर दिया है SIP के लिए। वहाँ पर आप फिर से फ्रेश SIP स्टार्ट कर सकते हैं जो कि बंद था। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी कमेंट्स मुझे रिसीव हुए और काफ़ी लोगों के मेल मुझे यहाँ पर मिले कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों को SBI स्मॉल और मिड कैप फंड मिल नहीं रहा है, तो हम लोग कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लाइव देख लेते हैं कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SBI का स्मॉल और मिड कैप फंड में। जो आपको वहाँ पर फंड नहीं मिल रहा, उसका कारण ये है कि जो SBI ने उसका नाम है वो चेंज कर दिया है। वो जो पहले SBI स्मॉल और मिड कैप फंड था, अब उसकी जगह वो सिर्फ SBI स्मॉल कैप फंड है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इस वीडियो के अंदर लाइव देखते हैं कि जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करना है, SIP करनी है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है SBI म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आप जैसे टाइप करेंगे तो गूगल के अंदर आपको यहाँ पर फर्स्ट में ये देखने को मिलेगा SBI म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको SBI म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे आप आ गए। यहाँ पर आपको दिख रहा है NFO क्लोज, कुछ एक NFO आने वाला है, उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको अभी करना क्या है, यहाँ पर आपको लॉगिन पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का विंडो यहाँ पर नज़र आएगा, और फ्रेंड यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है न्यू यूज़र का और एक है लॉगिन का। और फ्रेंड, हमने एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया था जहाँ पर किस तरीके से कोई न्यू यूज़र यहाँ पर आके रजिस्टर कर सकता है SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे, तो वीडियो आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो किस तरीके से जो नए यूज़र्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, उस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है यहाँ पर। तो हमको सिंपली क्लिक करना है लॉगिन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इस विंडो के अंदर यहाँ पर डैशबोर्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पर करंट वैल्यू दिखा रहा है 00, और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखा रहा है। बट आपके केस में हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट किया हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको न्यू इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है अगर कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने जाना है इससे पहले। तो जैसे आप न्यू इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको ये अलग विंडो के अंदर ले जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर परचेस वाली विंडो के अंदर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोलियो नंबर आपका, यहाँ पर आपका नाम दिखा रहा होगा, KYC वेरीफाइड है कि नहीं वो यहाँ पर आपको स्टेटस शो कर रहा होगा। उसके बाद हमको यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना है ब्रोकर्स डिटेल। तो अभी हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में कर रहे हैं। आई होप कि आपको डायरेक्ट और रेगुलर के बारे में पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट AMC से कर रहे हैं, कोई भी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर इन्वॉल्व हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलेगा कि स्कीम डिटेल्स, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, डायरेक्टली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मेरे पास ये ईमेल आए थे कि सर, हम लोगों को यहाँ पर जब ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं इक्विटी के अंदर जाने के बाद, तो यहाँ पर हमको SBI स्मॉल और मिड कैप फंड नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की स्टार्टिंग के अंदर भी कि SBI ने जो इसका नाम है SBI स्मॉल और मिड कैप फंड, उसको चेंज करके सिंपली कर दिया है SBI स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वही फंड है जिसका नाम था SBI स्मॉल और मिड कैप फंड। तो इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है। तो यहाँ पर आप पर पैन कार्ड यहाँ पर आप 25,000 ही मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम लिमिट है, जबकि मिनिमम यहाँ पर आप 500 रुपीज़ से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेम आपको दिखा रहा है SBI स्मॉल कैप फंड, अभी भी अगर आप फैक्ट शीट चेक करेंगे लेटेस्ट SBI की, तो वहाँ पर इस फंड को भी दिखाया हुआ है SBI स्मॉल और मिड कैप फंड, जो कि जून वाली फैक्ट शीट के अंदर चेंज किया जाएगा। तो अभी चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था SBI स्मॉल और मिड कैप फंड के अंदर, उनके लिए भी यहाँ पर जो है नाम सभी लोगों के लिए यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मुझे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP करनी है इस फंड के अंदर। यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था उस अपडेट के अंदर भी, यहाँ पर आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना भी अलाउ नहीं है। यहाँ पर आप जो मैक्सिमम जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 25,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP ही कर सकते हैं। यहाँ पर SWP भी अलाउ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप SIP या फिर STP कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि मिनिमम जो परचेस अमाउंट है वो 500 रुपीज़ है। यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि कितनी बार आपको फंड जो है आपका डेबिट होगा वो यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फ्रीक्वेंसी, आपको मंथली रखना है या क्वार्टरली रखना है। तो अभी आपको फ्रीक्वेंसी जो भी डिसाइड करनी है अपने हिसाब से आप डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मुझे SIP करनी है तो मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना है। लेट सपोज कि मुझे यहाँ पर 5,000 की SIP करनी है, तो मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना है। ऑलरेडी अगर मैंने रजिस्टर किया हुआ SBI म्यूचुअल फंड के साथ में पहले, तो यहाँ पर मेरी बैंक डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर दे दी उसने। यहाँ पर आपको जो मोड सिलेक्ट करना है वो एक ही मोड आता है SIP के अंदर, वो होता है बिलर। तो आप यहाँ पर बिलर सिलेक्ट कर अपने नेट बैंकिंग के अंदर जाए, वहाँ पर आपको ऐड बिलर कर SBI का यहाँ पर पूरा प्रोसेस है,
उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो आप किस तरीके से वहाँ पर जाकर एड बिलर कर सकते हैं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट की प्रोसेस है, वो काफ़ी ईजी प्रोसेस है, इतना डिफिकल्ट नहीं है वो चीज़। तो आप वहाँ पर इसको जाकर ऐड भी कर सकते हैं। तो आप इसको वहाँ पर जाकर ऐड करेंगे तो उसके बाद ही आपकी SIP जो है वो पर मंथ वहाँ से डिडक्ट होगी। यहाँ पर आपको सेट करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है कब से कब मेरी SIP डिडक्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपको देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। तो मुझे यहाँ पर जो है वो परपेचुअल रखना है, जब तक मैं उसको बंद ना करूँ तब तक वो SIP यहाँ पर चलती रहे। तो मैंने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करना है आई हियर एंड रीड एंड एक्सपेक्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, सबको मैंने यहाँ पर पढ़ लिया। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर सबमिट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे वो कन्फर्मेशन पूछेगा कि जो आपने डिटेल यहाँ पर डाली है वो आपको कन्फर्म करना है। तो आपको यहाँ पर सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रहा है कि थैंक यू फॉर इनिशिएटिंग एन SIP विद SBI म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर देखिए आप बिलर रजिस्ट्रेशन को वो दिखा रहा है पेंडिंग। जब तक आप बिलर ऐड नहीं करेंगे अपनी नेट बैंकिंग में जाने के बाद, तब तक वो SIP को वहाँ से डिडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आपकी मंथली SIP हुई है, 5,000 रुपीज़ की SIP हुई है, और पेमेंट जो मोड है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपका डेबिट होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो है SIP को इनिशिएट कर दिया है। तो ये सिंपल प्रोसेस था SIP करने का। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको बिलर ऐड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आपको वहाँ पर आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। तो फिर मैं बिलर किस तरीके से ऐड करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए यहाँ पर बना दूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से मुझे डायरेक्ट में SBI के अंदर स्मॉल और मिड कैप फंड जो कि हो चुका है स्मॉल कैप फंड के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।